नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, कभी आपने पैशन फ्रूट का नाम सुना है? शायद कुछ लोग इस फ्रूट से वाकिफ होंगे और शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस फ्रूट के बारे में नहीं जानते होंगे। आपको बता दें, वैसे इसे हिंदी में कृष्ण फल कहा जाता है। इस फल का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर ही रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडिया का फल है, लेकिन आपको बता दें ये फल ब्राजील का है, लेकिन अब इसकी खेती हर जगह हो रही है और इजीली हर जगह आपको ये फल मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो फ्रूट होता है ये एक तरह की बेरी होती है जो खाने में मीठा और खट्टा दोनों स्वाद देता है। आपको बता दें ये फल आपको पर्पल भी मिलेगा, ये फल आपको येलो भी मिलेगा, ये फल आपको गोल्डन कलर का भी मिलेगा। कृष्ण फल बहुत ज्यूसी होता है जो खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। जितना टेस्टी है उतने ही ज्यादा ये हेल्थ बेनिफिट भी देता है। विटामिन ए सी इसमें अच्छी खासी मात्रा में है। आपको बता दें आम, अमरूद, केला, पपीता, अनानास, अनार, इन फलों के जो गुण है वो इस एक फल में है। अब आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण फल खाने से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, चलिए अब आपको ये बताते हैं। दोस्तों, पैशन फ्रूट हमारी चेहरों में आई झुर्रियों को हटा सकता है। हम सभी जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और पैशन फ्रूट में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको कम करता है। फ्री रेडिकल्स हमारी त्वचा की उम्र बढ़ने का एक कारण होते हैं। चेहरे की खूबसूरती बनाए रखने के लिए आपको दिन में एक बार ये फल जरूर खाना है। देखिएगा आपकी जो झुर्रियां हैं और आपकी स्किन की और प्रॉब्लम्स है कैसे चिटकी में दूर होती है। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी एक समस्या है जिससे हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं और उसमें ऐसा गहरा दर्द होता है, जिसको ये बीमारी होती है वही इसका दर्द जानता है। अगर आपके माता पिता या आपके दादा दादी या आपके किसी भी परिजनों को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है तो प्लीज आप उनको कृष्ण फल खाने का सजेशन दीजिए। इस फल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम जैसे जो मिनरल्स होते हैं वो अच्छी खासी मात्रा में होते हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में काफी हद तक आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। ये जितने भी मिनरल्स होते हैं ये हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखते हैं और साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस को रोकते भी हैं। इस फल को आप अपनी स्मूदी में ब्लेंड करके, जैम बनाकर या फिर साबुत खाकर इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, कृष्ण फल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब ये है कि कृष्ण फल खाने के बाद ब्लड शुगर के लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जो डायबिटीज मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। डायबिटीज मरीजों में ब्लड शुगर स्पाइक हो जाना यानी अचानक से बढ़ जाता है, जिससे परेशानियां होती हैं। फाइबर की मात्रा ज्यादा होने के कारण कृष्ण फल में कार्बोहाइड्रेट का असर कम हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप आसानी से, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कृष्ण फल खा सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी कृष्ण फल आपको फायदा दे सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कृष्ण फल की अगर लिमिटेड आप उसे खा रही हैं तो ये आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि इसमें वो सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो आपकी प्रेगनेंसी में आपको हेल्दी रखेंगे और जो आपके बच्चे को आपके गर्भ में प्रोटेक्ट रखेंगे। आपके बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, खास करके विटामिन सी और फोलेट, जिससे हमारी जो प्रेगनेंसी होती है वो काफ़ी स्मूथ चलेगी और आपके बच्चे का डेवलपमेंट भी बहुत बेहतर होगा। तो दोस्तों देखिए, कृष्ण फल भगवान बांके बिहारी के नाम से ये जो फल है ये आप ज़रूर खाएं, आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला तो आप ऑनलाइन बुक करिए, आपको ईजिली मिल जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण के नाम पर ये जो फल है ये सच मानिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आज से ही फिर अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करिए और इसके फायदे उठाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।